हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे मिनी वैक्यूम सीलर मशीन के बारे में। ये मशीन क्या काम आती है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस है और कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ये एक छोटी सी मशीन है जो प्लास्टिक के बैग से हवा को निकाल के उनको वैक्यूम पैक करती है। देखते हैं कैसे। जैसे आपके प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप प्लास्टिक के बैग्स में पैक करते हो, अनाज हो गया, फ्रूट हो गया, मीट, फ्रूट्स, जो भी जो आपको पैक करने हैं प्लास्टिक के बैग में, एक तो तरीका होता है आप इसको सील कर दो। लेकिन ये मशीन जो है सील तो करती है बट साथ साथ में उसके अंदर से हवा को खींच लेती है। तो उससे होता क्या है, हमको इस मशीन की ज़रूरत क्यों है? हमें ये मशीन इसके लिए चाहिए कि जब हम प्रोडक्ट से हवा निकाल के उसको पैक करते हैं, मतलब जब ये वैक्यूम पैक होगा तो हवा से जो प्रोडक्ट का डैमेज होने वाला रहता है, जो उसको नुकसान होने वाला रहता है, वो नहीं होता है। इससे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ सकती है। तो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कितनी बढ़ सकती है? प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने का कोई भी प्रॉमिस कितनी बढ़ेगी ये हम नहीं कर सकते, बिकॉज हर एक प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं, उसमें क्या डाला है, आपने क्या नहीं डाला है, वो सब चीज़ें अलग अलग होती है। तो कितनी बढ़ेगी ये नहीं बता सकते, बट जो हवा से उसका नुकसान होने वाला है, हवा लगने से जो ख़राब होने वाला है, वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, वो चीज़ उससे ख़राब नहीं होगी। प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे आपके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसमें आपने क्या मिक्स किया है, क्या फार्मूला है आपका, वो सब पे डिपेंड करता है। तो वो एक R&D का मैटर है, वो आपको करके देखना होगा बार बार, तब जाके आपको समझेगा कि शेल्फ लाइफ किस फैक्टर से इफेक्ट हो रही है। आइए हम बताते हैं इस मशीन की ऑपरेटिंग के बारे में आपको। पहले मैं समझा दूँ, ये मशीन बहुत ही कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है, आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। बस ये इतनी सी मशीन है, ये होम बिजनेसेस और छोटे बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप। छोटी सी इन्वेस्टमेंट में आपको काम करना है, या फिर उन लोगों के लिए जो फ्रिक्वेंटली अब्रॉड ट्रैवल करते हैं, जो घर का बना हुआ खाना साथ में लेके जाना चाहते हैं, जैसे थेपले हो गए या जो भी तला भुना आइटम जो आप साथ में लेके जाना चाहते हैं, जो नरम हो जाता है हवा लगने से, लेकिन आप अगर वैक्यूम पैक करके रखेंगे तो नहीं होगा। या आप इसको घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, अनाज हो गया, अगर आप उसको वैक्यूम पैक करके रखेंगे तो उसमें हवा नहीं लगेगी, वो नरम नहीं होगा, खराब नहीं होगा। बहुत लोग जानना चाहेंगे कि इसमें कौन से बैग इस्तेमाल होते हैं, मतलब ये नॉर्मल बैग में भी वैक्यूम पैक हो सकती है या नहीं। तो इसके लिए बैग का मटेरियल अलग नहीं आता है, पॉली, LD या PP आता है, बट जो बैग की थिकनेस होती है वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, उसको 3-4 mm की थिकनेस बोलते हैं। जैसे 1 mm के 10वें हिस्से को हम 1 mm बोलते हैं, 1 mm का 10वां हिस्सा जो बहुत ही बारीक होता है उसको 1 mm बोलते हैं। तो एटलीस्ट 3-4 mm की होनी चाहिए, क्योंकि जब वैक्यूम खींचता है तो कुछ प्रोडक्ट जैसे वेफर्स और ये हार्ड होते हैं, तो बैग फटना नहीं चाहिए वो टाइम पे। और दूसरा, जो बैग की ये किनारी है, ये किनारी आप देख रहे हैं 10 mm की सील हुई हुई है तीनों साइड से, तो जब वैक्यूम होने के बाद हवा वापस लीक नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह की सीलिंग चाहिए। जो आपके वेंडर्स है, आप अगर उनको बोलेंगे कि मुझे वैक्यूम सीलिंग के लिए बैग चाहिए, तो वो आपको इस तरह के बैग प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ट्रांसपेरेंट में भी आते हैं, सिल्वर फॉइल में भी आते हैं, आप चाहिए तो इस तरह के कलरफुल बैग भी आते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में आप कस्टमाइज करके बनवा सकते हैं। अब देखते हैं ये मशीन की ऑपरेटिंग कैसे करनी है। इसके मशीन के पीछे साइड पे ये पावर केबल है, जो आप कहीं पे भी सिंगल फेज सप्लाई में लगा सकते हैं आपके घर के, इसको कोई स्पेशल पावर सॉकेट नहीं चाहिए, बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है, 40-50 watt का। तो इसको हम प्लग में कनेक्ट कर देते हैं पहले। अब ये मैंने पावर कोड को कनेक्ट कर दिया है, और इसका पावर बटन, ये जो है ये इसका पावर बटन है, आगे बचे मत, यहाँ पे एक पावर की लाइट आ जाएगी, मतलब ये पावर ऑन हो चुका है। ये दोनों ऑरेंज कलर के जो बटन दिए, ये फ्लैप को खोलने के लिए, जब मैं इसको प्रेस करूँगा ये फ्लैप खुल जाता है, ये जो लॉक है ये खुल जाता है प्रेस करने से। और ये लीवर दिया है जो वैक्यूम को स्टार्ट करता है, जब मैं इसको आगे की तरफ पुल करता हूँ तो आप एक आवाज़ सुनेंगे, मतलब वैक्यूम का मोटर जो है वो स्टार्ट हो चुका है इस तरह से। अब हमको करना क्या है, जैसे कुछ बादाम ले लिए मैंने ये बैग में, ये बैग को हमको इस नोज़ल को बैग के अंदर लगा के, ये जो
हीटिंग एलिमेंट दिया हुआ है, ये जो ब्राउन कलर की पट्टी दिख रही है, यहाँ पे स्ट्रेट इस बैग को रख देना है और ये फ्लैप को फिर से बंद कर देना है। फ्लैप को बंद करने के लिए हमको दोनों कॉर्नर पे इसको प्रेस करना है वन बाय वन, और एज सून एज आप इसको बंद करते आप देखेंगे मशीन बैग में से हवा खींचनी चालू कर देती है। ये बैग थोड़ा सा बड़ा है तो मुझे खींचना पड़ रहा है बैग को, बट आप देख रहे हैं ये टाइट हो चुकी है, बादाम अब हिल रही नहीं है। ये नोज़ल टाइप मशीन है तो बैग की लंबाई का या एक किलो आधा किलो का कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको जब तक लगता है कि हवा निकलते जा रही है आप इसको चालू रख सकते हैं, तो आधा किलो पाव किलो 100 ग्राम उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, बट बैग की चौड़ाई से फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये इसके अंदर आना चाहिए मशीन के अंदर, जो कि मैक्सिमम 10 इंच है, 10 इंच से बड़ा चौड़ा बैग इसमें नहीं आएगा। जब आपको लगे कि हवा पूरी तरह से निकल चुकी है तो यहाँ पे एक सीलिंग का टाइम दिया हुआ है। अभी ये बैग की थिकनेस के हिसाब से इस सीलिंग टाइम को हमको एडजस्ट करना है। मैंने अभी इसको 3 पे रखा हुआ है और ये जो बार है जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमको प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है तब तक कि ये सील का लाइट ऑन होके बीप की आवाज़ नहीं आए, मतलब इतना टाइम तक वो उसको सील करेगा उतना टाइम उसके लिए ज़रूरी है, नहीं तो फिर बैग खुल जाएगा। तो अब इसमें से देख सकते हैं कि हम वैक्यूम निकल चुका है, ये पूरा कड़क हो गया है, अब हम इसको सील कर रहे हैं। आप देखिए अभी ये लाइट बंद है सीलिंग की, जब ये ब्लिंक होके बंद हो गई तो हम इसको छोड़ सकते हैं। और इसको ओपन करने के लिए ये दोनों बटन फिर से प्रेस करेंगे, ये साइड और ये साइड, दोनों साइड के इस तरह से। आप देख रहे हैं ये बैग सील हो चुका है और वैक्यूम भी हो चुका है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी मूव नहीं होगा, मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं है। अब इसको हाथ से इतना प्रेशर देने पे भी ये मूव नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम बहुत सारे प्रोडक्ट पैक कर सकते हैं, जैसे अनाज हो गया, फ्रूट्स हो गए, या पापड़, खाकरा, थेपला। तो हम दूसरे प्रोडक्ट भी करके देखते हैं, ये वापस से करते हैं। ये नोज़ल को इंसर्ट कर दिया मैंने, ये जो है ये इसका सीलिंग लेंथ है तो इससे बड़ा बैग नहीं होगा, ये 10 इंच तक का बैग ही होगा। ये फ्लैप को लॉक कर दिया और वैक्यूम स्टार्ट हो गई। ये बैग थोड़ा बड़ा है करके मुझे हवा खींचने के लिए थोड़ा सा इस बैग को हियर एंड देयर मूव करना पड़ रहा है ताकि इसकी हवा अंदर से निकल जाए, नोज़ल को फ्री फ्लो मिले हवा निकलने के लिए। आप देख रहे एकदम कड़क हो गया है बैग ऊपर नीचे से, अगर यहाँ पे आपको लगता है थोड़ा सा और है तो आप बैग को इस तरह से खींच के, जब बैग एकदम कट टू कट साइज़ होगा तो ये इजीली हो जाएगा, आपको बैग को इतना मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा। और लास्ट में हम इसको सील कर देंगे जैसे पहले किया था, ये बार को प्रेस करके, और फिर हम फ्लैप को वापस ओपन करेंगे। तो ये हो गया आपके पापड़ वैक्यूम सील। इस तरह आपको कुछ डाउट आएगा कि वेफर जो है कड़क होती है, बैग फट तो नहीं जाएगा या मेरी वेफर टूट तो नहीं जाएगी, तो ऐसा कुछ टूटने जितना प्रेशर नहीं होता है ये मशीन में। अब ये जो सॉफ्ट प्रोडक्ट है जैसे फ्रूट्स है तो कई फ्रूट्स का जूस तो नहीं निकल जाएगा दब के, वेजिटेबल्स है तो इसको भी करके देख लेते हैं। इसमें हम सारे सॉलिड प्रोडक्ट कर सकते हैं सिवाय पाउडर और लिक्विड के, क्योंकि पाउडर लिक्विड ये नोज़ल से अंदर जाने का चांस रहेगा और वैक्यूम पंप में जाके पंप को ख़राब कर सकता है, तो पाउडर और लिक्विड इसमें नहीं करना है। इस तरह से ये एयर को सक कर लेता है, अब देख रहे कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है फ्रूट को, बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है और ये पूरा वैक्यूम पैक हो गया है। सुपरमार्केट में वगैरह आप इस तरह से आपका प्रोडक्ट पैक करके सेल कर सकते हैं, ये अट्रैक्टिव दिखता है और अनटच प्रोडक्ट है। फिर से इसको सीलिंग कर रहे हैं और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है प्रोडक्ट में, बिल्कुल भी हवा नहीं है अब अंदर। एक और बैग हम करके देख लेते हैं ग्रेन का भी, जो बारीक होते हैं जो चाय पत्ती या दाने जैसे आइटम, पाउडर नहीं चलेगा, बारीक आइटम चल सकती है। आपको ये बैग कहाँ मिलेंगे इसके कुछ रेफरेंसेस मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे सर्च करके उन वेंडर से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप बैग खरीद सकते हैं। ये बैग भरा हुआ था तो जल्दी हो गया क्योंकि इसमें एयर बहुत कम था,
ये देखिए, तो इसमें सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं अब, लेकिन ये सबसे स्टार्टिंग पोर्टेबल मॉडल है। इसके बाद भी हमारे पास मशीनें हैं जो बड़े बैग्स के लिए होती है, 5 किलो 10 किलो के बैग के लिए, और मॉडल इंडस्ट्रियल मॉडल है जिसमें वैक्यूम का प्रेशर भी स्ट्रांग होता है। कैबिनेट टाइप मॉडल होते हैं जिसमें नोजल नहीं होता है, कैबिनेट होता है जिसमें पूरा बैग मशीन के अंदर रखा जाता है, पूरी हवा सक की जाती है। तो इसके अलावा भी हमारे पास मॉडल्स है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप सारे मॉडल देख सकते हैं। अब इसमें जो मेंटेनेंस वाली चीज़ है, आप पूछेंगे कि क्या ख़राब होने जैसा है, तो ये जो हीटिंग एलिमेंट है इसकी, ये और जो रबर पार्ट्स है, ये कुछ टाइम के बाद वेयर एंड टियर होते हैं, तो ये इजीली अवेलेबल है और ये बहुत ही कम रेट में मिल जाते हैं। बाकी इसमें कुछ भी ख़राब होने जैसा नहीं है और ये कम्प्लीटली ट्रूमार्क के द्वारा सर्विस की जा सकती है। मतलब हम इसको, कुछ भी होता है, आप हल्की मशीन है, आप हमको कुरियर बैक कर सकते हैं और हम इसको सर्विस करके आप तक वापस पहुंचा देंगे। हम ये मशीन पे 1 ईयर की वारंटी दे रहे हैं जो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उसको कवर करेगा। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये वैक्यूम जो किए हुए बैग है, हम इसको खोल के भी दिखा देते हैं कि कैसा क्या इफेक्ट होता है। अभी ये बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें हवा नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी काट देता हूँ यहाँ से, अब देखेंगे इसमें ये खुल गया बैग, ये आपके प्रोडक्ट फिर से फ्री हो गया। तो ये वैक्यूम का इफेक्ट है, ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है जब हम इसको खोलेंगे। इस तरह से वैक्यूम पैक हो जाता है। तो आपने देखा किस तरह से छोटी सी मशीन मल्टीपर्पज मशीन है जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट को हम वैक्यूम पैक कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा रहेगा कि ये शेप जो है ये अच्छा नहीं दिख रहा है, अगर आपको ब्रिक पैकिंग करनी है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो या कुछ अलग तरह का पैकिंग हो जो एक परफेक्ट शेप में हो, तो ब्रिक पैकिंग भी की जा सकती है, बट वो ये मशीन से नहीं होगी। उसके लिए चेंबर टाइप दूसरी मशीनें आती है जिनकी लिंक मैं दे रहा हूँ, और वहाँ पे एक डाई होती है जिस, और बैग भी उस तरह के शेप के होते हैं ताकि हम उसकी ब्रिक बना सके वैक्यूम पैकिंग के टाइम पे। तो वो आपको परफेक्ट स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में प्रोडक्ट की पैकिंग करके मिल जाएगी। आप इस मशीन की प्राइस जाननी है या इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो हमको नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, क्योंकि हम पूरे दिन में इतने कॉल्स आते हैं नहीं उठा पाते। आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा आपके, और जो भी डिटेल चाहिए वो मिल जाएगी। व्हाट्सअप करने पे आप आपकी डिटेल जरूर दीजिए, नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी जरूर दीजिए, और उसमें आप इस मशीन का नाम जरूर लिखिए। सिर्फ हाई करके व्हाट्सअप मत भेजिए, क्योंकि हाई करके मुझे नहीं समझेगा आपको क्या चाहिए, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। आप हाई करके छोड़ मत दीजिए, उसमें आप मशीन का नाम लिखिए, मल्टीपर्पज वैक्यूम पैकिंग मशीन, या हम इसको मिनी वैक्यूम सीलर भी बोलते हैं, मिनी वैक्यूम सीलर। तो दोस्तों, प्लीज सेंड योर इंक्वायरीज ऑन बिलो व्हाट्सअप नंबर। थैंक यू।